थोड़ा सा हाईवे के पास आने के बाद में, हाँ रख दो आप वहीं रख दो, ठीक है। भैया ने चाय बना दिया, हो रही है अब। बाकी आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे कोहरा कितना है, कोहरा काफ़ी बढ़ गया है आज। खैर कोई बात नहीं, साइकिल धीरे धीरे राइड करूँगा। बाकी ये धन्नो पीछे खड़ी है मेरी, चाय पीते हैं उसके बाद निकलते हैं। थोड़ी सी आवाज़ कर रही है यहाँ से, कट कट की आवाज़ आती है, ये शायद यहाँ से लग रहा है, तो आगे कहीं दिखाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो यहाँ से आगे चल के मैं दिखाऊंगा। जा रहा जयपुर वाला जो रोड जा रहा है, जयपुर रोड से थोड़ा साइड में एक रोड कटा है भिवाड़ी के लिए, तो अभी मैं भिवाड़ी चौक पर खड़ा हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा ये भाई है, ये यहाँ रहता है, तो इसने मेरी पोस्ट देखी थी फेसबुक पर और वीडियो भी देख रखता है मेरी रोज, तो ये बोला कि मुझसे मिल के जाना, तो मैंने कहा चल ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम राम। तो की हालचाल है आप सभी का, तो आप सभी को जय श्री श्याम। मैं यात्रा पर हूँ अभी साइकिल से नोएडा टू राजस्थान खाटू श्याम के लिए, और अभी मैं हरियाणा के अंदर हूँ। एक गांव है सिद्रावली, शायद यही नाम है, ठीक है। और अभी मैंने यहाँ आ गया था मैं शाम 4 बजे के आसपास, और ये काफ़ी बड़ा मंदिर है, तो मैंने इस मंदिर में रात को आराम किया, ठीक है। और जो यहाँ मैं आया भाई साहब, जो खातिरदारी किए, जो सेवा पानी किया ना, मेरे दिल खुश हो गया मेरा, ठीक है। और सुबह सुबह अभी 8:30 का टाइम है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये कोहरा अगर थोड़ा सा हट जाए यहाँ से, तो मैं यहाँ से निकलूँ, क्योंकि हाईवे पर अभी काफ़ी ज़्यादा कोहरा मिलेगा मेरे को देखने को, ठीक है। और ये मेरे पीछे देखो अब, ये मेन गेट है मेरे पीछे, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा, काफ़ी कोहरा छाया हुआ है। और यहाँ से मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कोहरा जो है मेरा रास्ता रोक रहा है अभी, ठीक है। बाकी काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ रुक के, और खाटू श्याम बाबा के यहाँ मंदिर है खाटू बाबा का, दर्शन हुए। चलो वहाँ नहीं तो वहाँ तो होंगे होंगे, यहाँ भी दर्शन हो चुके हैं मेरे, ठीक है। तो कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। और थोड़ा सा मैं आपको ना बैक कैमरा चालू करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ के दर्शन करा देता हूँ, खाटू बाबा का दर्शन, और यहाँ राधा माधव जो कृष्ण जी हैं उनके भी दर्शन करा देता हूँ आपको, ठीक है। ये मंदिर, मंदिर का जो नाम है वो बाबा भजले राम, वो नाम है, इस नाम से ये मंदिर है, ठीक है। तो मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आपको, ये खाटू बाबा का मंदिर यहाँ पर, और आगे यहाँ दुर्गे जी का मंदिर है, और वहाँ कोने पर आपको वहाँ मिलेगा हनुमान बाबा का मंदिर, और ये मेन गेट। और इधर मैं खाना खाया था रात को, इस वाले मंदिर के अंदर खाना खाया था मैंने। और इधर यहाँ मेरी उंगली आपको दिखाई दे रही होगी ना, यहाँ यहाँ कृष्ण जी और राधा जी का मंदिर है, और इधर मैं साइड में रुका था, वहाँ रात को कमरे के अंदर सोया था मैं, ठीक है। देख रहे हो हाथ कप कपा रहे हैं, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और इधर ये मेरी साइकिल वहाँ खड़ी है, बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मेरी रात धन्नो खड़ी हुई थी यहाँ पर। तो बाकी चलते हैं, बाकी काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यहाँ। बाकी फूल फुलवाड़ी भी काफ़ी सारी हैं, पानी की भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, ठीक है। और लेटरिन बाथरूम बाहर बने हुए हैं, काफ़ी मतलब अच्छा है। और बता रहे हैं कि इतने बड़े मंदिर, 3 और मंदिर हैं इनके, ठीक है, इतने ही बड़े मंदिर, 3 मंदिर और हैं। तो अब चलते हैं, साइकिल को अपना निकालते हैं इधर और फिर निकलते हैं, ठीक है। तो जय श्री श्याम खाटू श्याम बाबा के। तो ये मेरी धन्नो यहाँ खड़ी हुई है, ठीक है, रात को यहीं पे खड़ी कर दी थी मैंने, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ी सी आवाज़ कर रही है यहाँ से, कट कट की आवाज़ आती है, ये शायद यहाँ से लग रहा है, तो आगे कहीं दिखाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो यहाँ से आगे चल के मैं दिखाऊंगा। बाकी चलो जी, जय श्री श्याम का नाम लेके चलते हैं। और देखो अभी काफ़ी ज़्यादा कोहरा है, और मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, और अभी रात मैंने इसी गांव में गुजारी थी। ये हाईवे से जयपुर वाला जो हाईवे है, वहाँ से 2 किलोमीटर साइड में ये गाँव पड़ता है, 2 किलोमीटर नहीं, नीचे उतरते ही गांव है ये, ठीक है। तो रात में इसी गांव में रुका था, अभी कोहरे की वजह से थोड़ा लेट निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि
कोहरा काफ़ी ज़्यादा है और आज मुझे लगता है कि इधर सर्दी भी ज़्यादा है, क्योंकि गुड़गांव के अंदर इतनी सर्दी नहीं थी, 8 बजे तक धूप निकल आई थी। और ये साल का लास्ट महीना चल रहा है, 2-3 दिन और रह गए, तो सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अगर किसी का दिल दुखाया हो मैंने इस साल में, तो भाई माफ़ कर देना, क्योंकि साल जा रही है, नई साल आने वाली है। आपको आपके परिवार को तहे दिल से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो भाई हाईवे पर डालते हैं साइकिल। और मैं आज 10 किलोमीटर राइड करूँगा, शायद उसके बाद मैं रुक जाऊँगा। जय श्री श्याम मेरे पर। चलो कोई बात नहीं, आज लग रहा है कि वाकई में सर्दी है, तो मुझे लगता है कि ये रोड हाईवे पे निकलेगा। देखते हैं, चलो हाईवे पे डालने के बाद में दुकान है आगे, दुकान पे पता करता हूँ कि ये हाईवे पे निकलेगा। हाँ हाईवे पे आ गया मैं, ये सामने हाईवे है। तो थोड़ा सा हाईवे के पास आने के बाद में, हाँ रख दो आप वहीं रख दो, ठीक है, भैया ने चाय बना दिया। थोड़ा सा हाईवे पे मैं निकल के आया तो कोहरा काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अभी ये छोटा सा एक ढाबा मिला था मुझे, तो यहाँ मेरा सुबह की चाय यहाँ पी रहा हूँ मैं आज, ठीक है, कल पता नहीं कहाँ पीऊँगा। तो फ़िलहाल मेरी भैया ने चाय बना के रख दी है और मैं यहाँ पीता हूँ चाय, उसके बाद निकलता हूँ और थोड़ा सा नाश्ता भी कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह से अभी खाली पेट हूँ। और टाइम अभी 9 के आसपास ही होगा, ठीक है। तो ये सुबह की चाय है, लेते हैं इसका टेस्ट। लेकिन आज ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जितना सोचा नहीं था, लेकिन आज दिल्ली में इतनी ठंड नहीं है, गुड़गांव के अंदर भी इतनी ठंड नहीं थी। लेकिन जैसे हरियाणा पार कर रहा हूँ मैं, बॉर्डर लग जाएगा यहाँ से कुछ ही दूरी पे, बॉर्डर है, बॉर्डर लग जाएगा यहाँ पे, तो ठंड काफ़ी महसूस हो रही है अब। बाकी आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे कोहरा कितना है, कोहरा काफ़ी बढ़ गया है आज। खैर कोई बात नहीं, साइकिल धीरे धीरे राइड करूँगा। बाकी ये धन्नो पीछे खड़ी है मेरी, चाय पीते हैं उसके बाद निकलते हैं। और आगे जाके शायद भिवाड़ी है, क्यों भैया आगे भिवाड़ी पड़ता है ना, भिवाड़ी पड़ता है ना आगे, धारुएड़ा अच्छा भिवाड़ी, हाँ भिवाड़ी। तो भिवाड़ी में कोई मेरा मान लो भाई रहता है या दोस्त रहता है, तो उससे मिलता हुआ निकलूँगा। और आप अगर मिलोगे तो आपसे भी मिलता हुआ निकलूँगा, बातचीत भी करूँगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलूँ आपसे, ठीक है, मिलूँगा सबसे और बात भी करूँगा जितनी देर चाहो आप। काफ़ी लोग मिलते हैं मुझे रास्ते में, राहगीर गाड़ी वाले जो कि गाड़ी रोक रोक के मेरे साथ और मेरी साइकिल के साथ में, धन्नो के साथ में फ़ोटो खींचते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे तब कोई रोकता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है यार। तो आप भी मिलिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ अपडेट देखिए, मैं अपडेट डालता रहता हूँ, फेसबुक पे अपडेट डालता रहता हूँ, स्टेटस वगैरह वहाँ लगाता रहता हूँ, किधर से निकलना किधर को जाना। बाकी चाय कड़क है, काफ़ी अच्छी है। दोस्तों 5 किलोमीटर की राइड मैंने कंप्लीट कर ली है और आप देख ही रहे हो कि कितना हाईवे पर अभी कोहरा नज़र आ रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अभी कोहरा है, जबकि टाइम 10 का हो चुका है, लेकिन सूर्य देवता अभी नज़र नहीं आ रहे। हाईवे पर अभी काफ़ी ज़्यादा कोहरा है। अच्छा ऐसे हाईवे पर कोहरे में या धुंध में चलना अच्छा नहीं रहता, बट क्या करूँ, मुझे आगे बढ़ना भी है।
और मैं अभी काफ़ी धीरे धीरे साइकिल चला रहा हूँ, अभी स्पीड से मैं साइकिल नहीं चला रहा हूँ। अगर थोड़ा अगर धुंध हट जाएगी तब मैं शायद थोड़ा स्पीड से खींचूँ साइकिल को। बाकी अभी ये जो सीधा रोड है जयपुर वाला है, जो कि जयपुर जाता है, बाकी देखते हैं आज कहाँ ठहरेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सब कुछ आपको वीडियो के जरिए आपको दिखाता रहूँगा। बाकी साइकिल से ट्रैवल करना अभी तक तो मुझे इजी लगा है, काफ़ी इजी लग रहा है मुझे अभी तक, क्योंकि ना कोई थकावट महसूस हो रही है, ना कोई दर्द है, बाबा की कृपा है, श्री श्याम बाबा की। तो अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करने को पड़ा, बाबा की कृपा रही तो आगे भी ऐसे ही चलता रहूँगा। आप लोग सपोर्ट करो, बाबा के धाम तक पहुँचाने के लिए जितना हो सकता उतना वीडियो को शेयर करो, दबा के लाइक करो, कमेंट में जय श्री श्याम लिखो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। हाईवे पर गाड़ियां ऐसे चल रही हैं भाई साहब जैसे कि इनको कोई पीछे से रौंद रहा हो, इनको कोई पकड़ने वाला पीछे से भाग रहा हो, अंधाधुंध स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। और जब हादसा हो जाता है ना तब चंदा तारे सब नज़र आ जाते हैं, कह रहे यार थोड़ा धीरे चला लेते तो सही रहता, जल्दबाजी के चक्कर में ना पड़े कोई भी सही, गाड़ी को जितना हो सकता है उतना धीरे ही चलाएं। गाड़ी आपकी, ज़िंदगी आपकी, टाइम भी आपका है, जल्दबाजी के चक्कर में कहीं गलत हादसा ना हो जाए आपका, तो थोड़ा सावधानी से चलिए। रोड है ये, सामने वाले का कोई पता नहीं है कि सामने वाला किस मूड में आ रहा है। देखो आगे आप देख सकते हो आप क्या कितना कोहरा मेरे को नज़र आ रहा है, फिर भी मैं अपनी साइकिल साइड में ही चला रहा हूँ। देख ही सकते हो यहाँ किनारे, रोड के किनारे यहाँ साइड में सकल ली है मेरी साइकिल। और सर्दी है लेकिन मुझे अभी भी पसीना आ रहा है। चलो कमेंट में जय श्री श्याम लिख दो सभी लोग। देखो यार मैं पता क्या है, बातों को बोलता नहीं हूँ, अगर मैं बातों को खुल के बोलने लग गया ना मैं, तो आप भी ये कहोगे कि यार तू ऐसी बात कर रहा है, ठीक है। बाबा के धाम पे जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात करूँगा भी नहीं, और आपकी आंखों में इतनी तो शर्म होनी चाहिए हैं। नीचे लाल बटन का निशान जो दिख रहा है उसको दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, नहीं आगे वाली वीडियो में मैं आपको बोलना स्टार्ट कर दूँगा, फिर आपको बेइज्जती फील होगी, बेइज्जती। जयपुर वाला जो रोड जा रहा है, जयपुर रोड से थोड़ा साइड में एक रोड कटा है भिवाड़ी के लिए, तो अभी मैं भिवाड़ी चौक पर खड़ा हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा ये भाई है, ये यहाँ रहता है, तो इसने मेरी पोस्ट देखी थी फेसबुक पे और वीडियो भी देख रखता है मेरी रोज़, तो ये बोला कि मुझसे मिल के जाना, तो मैंने कहा चल ठीक है। तो जयपुर हाईवे से ये इधर के भिवाड़ी मोड़ मुश्किल से 3 किलोमीटर होगा, और मैं इससे मिल के तब यहाँ से निकलूँगा। फ़िलहाल अभी मैं भाई के साथ में जा रहा हूँ कमरे पे, वहाँ थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। तकरीबन वहाँ से जहाँ से मैं निकला था वो कौन सी जगह थी मैं आपको बताऊँगा, दिमाग पर नहीं आता, भूल जाता हूँ मैं कभी कभी। और यहाँ तक आने में तकरीबन 2-2.5 घंटा मुझे लग गया, और डिस्टेंस कितना था मैं आगे वीडियो में बता दूँगा आपको। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, और चलते हैं कमरे पर, फिर आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूँगा। और ऊपर से यहाँ रुकने के बाद में ना साइकिल में थोड़ा सा काम भी करवाना है, क्योंकि धन्नो आवाज़ दे रही है, खटखट की आवाज़ आ रही है, वीडियो में भी आपको शायद आ रही होगी। तो ये भिवाड़ी मोड़ है, हो सकता है कि रात को मैं यहीं रुकूं, यहीं पे आराम करूं, तो जैसा भी अपडेट होगा मैं बताता रहूंगा आपको वीडियो के माध्यम से, और इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दूंगा मैं। और ये मेरे पीछे जो है ये भाई है मेरा,
चलते हैं कमरे पर।